अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शाबान, आप देख रहे हो जानकारी टीवी। आज का टॉपिक है अकबर बादशाह के बारे में। वो हुमायूं के बेटे और बाबर के पोते थे। जब उनके वालिद की वफात हुई तो उसको पालने वाला बैराम खान था। बैराम खान ने उसको ऐसा जंजू बनाया कि जब उसके हाथ में तलवार आती तो सामने उसके कोई भी नहीं टिक सकता। पर वो बहुत रहम दिल था। और जंग पानीपत में अकबर की फतेह हुई तो और जब उसके सामने बादशाह को लाया गया तो बैराम खान ने कहा, हुजूर इसका सर कलम करें, मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि ये तो पहले से ही मरा हुआ है। और अकबर ने उसे माफ कर दिया। बैराम खान ने बोला, बादशाह सलामत, इसका सर कलम किया जाए नहीं तो ये हमारी तोहीन होगी। और बैराम खान ने तलवार उठाई और उसका सर कलम कर दिया। जब अकबर बादशाह ने सोचा कि बैराम खान मुझे कंट्रोल कर मेरी बादशाहत को चलाना चाहता है तो बैराम खान को हज पर भेज दिया। तब किसी दुश्मन ने बैराम खान का कत्ल कर दिया। जब अकबर बादशाह को पता चला कि बैराम खान का कत्ल हो गया है तो उसने उसके बेटे को अपना तालिक बनाया। जब हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े तो उसने अपना अलग मज़हब बनाया और उस मज़हब में हर मज़हब की अच्छी अच्छी बातें थी और उस मज़हब का नाम मज़हब इलाही था। अकबर बादशाह ने कुछ रियासतें शादी करके हासिल की और कुछ रियासतें उसने जंग करके हासिल की, जिसमें चतराल का नाम भी आता है। और आमिर की राजकुमारी से उसने शादी की जिसका नाम जोधा था और उससे उसका बेटा जहांगीर पैदा हुआ। जहांगीर के अलावा दो और भी बेटे थे जिनके नाम मुराद और दानियाल थे। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आने वाला टॉपिक कौन सा होना चाहिए।